दानवों द्वारा केसरी व अंजना का मार्ग रोक लिए जाने के पश्चात हनुमान तत्काल वहां पहुंच जाते हैं और कुछ ही क्षणों में पिता पुत्र दोनों मिलकर संपूर्ण दानवों का अंत कर देते हैं। किंतु सुमेरु के दूसरे क्षेत्रों में दानवों के बढ़ते उपद्रव को रोकने केसरी को भवन से बाहर जाना पड़ता है और इसी मध्य अंजना एक पत्नी माँ और पुत्री का धर्म निभाते हुए स्वर्ग लोक जाने से पूर्व अपनी सारी सच्चाई एक ग्रंथ पर लिख देती है। अब आगे सखा क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही है, मन कुछ व्याकुल सा हो रहा है। माँ के पास चले। प्रभु, विदा का समय आ रहा है, आपको भी मेरा अंतिम प्रणाम। माँ, यहाँ क्या कर रही है? हे भगवान, कहीं हनुमान ने पत्र लिखते हुए तो नहीं देख लिया मुझे? यदि हनुमान ने यह पत्र पढ़ लिया तो क्या होगा? प्रारंभिक अक्षर ज्ञान तो हो ही गया है हनुमान। हनुमान, तुम अभी तक जाग रहे हो? वो माँ, नींद ही नहीं आ रही थी, ना जाने क्यों आपके पास आने के लिए मन व्याकुल हो रहा था। किंतु माँ, आप अभी तक सोई नहीं? हाँ, वो मेरा भी मन व्याकुल हो रहा था, तो मैं भगवान के पास चली आई। हाँ, वही तो, जब मन व्याकुल होता है तब भगवान का ही आसरा दिखाई देता है ना, और मेरे लिए तो मेरे भगवान आप ही हैं माँ, तो मैं चला आया आपके पास। आप क्यों व्याकुल थी माँ? वो कुछ नहीं, तुम्हारे पिताश्री असुरों का अंत करने गए हैं ना, इसलिए। महादेव, मुझे शक्ति दीजिए, मेरे पुत्र के सामने मेरे अश्रु ना निकले। पुत्र हनुमान, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। यदि किसी दिन मैं कहीं चली गई और तुम्हारा मन व्याकुल हुआ तो किसके पास जाओगे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? आप जहाँ जाएंगी मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। हाँ पुत्र, और यदि मैं किसी ऐसे स्थान पर चली गई जहां तुम ना आ सके, तो जो मैं कह रही हूं स्मरण रखना, अपने नित्य कर्म नियम से करना। नित्य कर्म के पश्चात
पूजा अवश्य करना, अपने बड़ों और गुरुजनों से आशीर्वाद लेना, सबकी आज्ञा का पालन करना, और ध्यान रहे पिताश्री की आज्ञा के बिना भवन से बाहर मत जाना। वो सब तो उचित है, किंतु मैं आपका पुत्र हूँ ना, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाएंगी। और ना ही मैं आपको कहीं जाने दूंगा। रही बात स्वर्ग के नियमों की, तो स्वयं महादेव भी इन नियमों को नहीं बदल सकते, इसलिए ये तो निश्चित ही है कि तुम्हें सबको छोड़कर वापस जाना होगा। अच्छा चलो अब जाओ और सो जाओ। नहीं माँ, मुझे आपके पास ही रहना है, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं है। किंतु पुत्र, यदि तुम नहीं सोओगे तो मैं कैसे सोऊंगी? मुझे भी तो नींद आ रही है ना। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे पहले लोरी सुनाइए, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। Sous-titrage Société Radio-Canada।
आपने लोरी क्यों बंद कर दी? पुनः सुनाइए ना। तुम्हारी इन नन्ही कोमल उंगलियों को छोड़कर कैसे जा पाऊंगी मेरे लाल? क्षमा करना मेरे लाल, प्रभु आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि हनुमान के समक्ष मेरे अश्रु नहीं निकले। अब नियति को जो करना है सो करे, मुझे स्वीकार है। प्रिय राजभवन, यहाँ मेरे जीवन की मधुर स्मृतियां जुड़ी हैं। तुम्हारे कोने कोने को अंतिम बार निहारना। नियति का हीर ये सारा, कल तक मोरे संग जो हर चल रहे, दोनों का संग मोहे प्यारा, मेरे जीवन प्राण मेरे, मन को अपने तुम संग छोड़ जाऊं, ना छूटे मोरा अंगना, ना छूटे मोरा अंगना। ये देखो मेरे वस्त्र, कैसी लग रही है मेरी धोती? आप लाल धोती नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। मैं केवल लाल रंग की धोती ही पहनूंगा, लाल रंग की। छोड़े ना छोटे मुंह से मोरा अंगना, किंतु मेरे सौभाग्य का चिन्ह मेरा मंगलसूत्र। छोटे मोरा अंगना।
मारुति को और भूख लगी है। मारुति का पेट तो कब का भर चुका था, किंतु मारुति लालच में और मांग रहा था। आज पकवान बहुत स्वादिष्ट बने थे ना, इसीलिए। पिताश्री को इस संकट से बचा सकते हो। जाओ पुत्र, और जाकर प्रभावहीन कर दो उस दुष्ट पंचफन को। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, विजय भवा। अपने पुत्र और परिवार को आपके संरक्षण में छोड़कर जा रही, उन्हें हर कष्ट और संकट से सुरक्षित रखना प्रभु। महादेव मुझे शक्ति दीजिए, मेरे पुत्र के सामने मेरे अश्रु ना निकले।
प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम प्रथम बार शुभ समाचार सुनाकर। प्रसन्न किया तुमने लंकेश को, उस वानर बालक से उसकी माँ को दूर कर दिया उर्वशी की ईर्ष्या ने। हे राजभवन, तुमने अपने अंक में इतने वर्षों तक मुझे सहेज कर रखा, तुम्हें मेरा अंतिम प्रणाम।